हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका दोस्त और होस्ट S1 और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मुंबई मैकनी। आज हम बात करेंगे अपकमिंग मूवी केश कौन के बारे में, जिसका ट्रेलर रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ है। फिल्म काफ़ी दिल को छूती हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी हालत तो एलोपेशिया से रिलेटेड के ऊपर ये मूवी बनी है। पहले ट्रेलर देखते हैं और उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर फर्स्ट। कब से बाल झड़ रहे हैं? जी, बाल लगभग 2 हफ्ते से झड़ रहे हैं। बेसिकली दिस इज कॉमन डिजीज, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाने से ऐसा होता है। बेटा, अंडे खाया करो और साथ में दूध भी पिया करो। कैसे होगा इसका शादी ब्याह? मैंने सुना है इनाक्षी डांस बहुत अच्छा करती है। चिटिया कलैया पे डांस करके दिखाएंगे प्लीज। एक लव लगा दो, लगा दो करारे ठुमके, दिला दे हीरे के झुमके, नचना है आज। 24 साल गुजर गए, मैं तुम्हें अब तक ताजमहल नहीं दिखा पाया। चढ़े आज चा, मैं सोच लिया मुझे डांस करना है। डांस तो मैं भी करता था, तो क्या मिथुन चक्रवर्ती बन गया मैं? मैरिड नच दे ते कवारे नच दे। बोल दे मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हिंदी में बोल दूँ? ऑफ कोर्स नहीं, इंग्लिश में बोल दे। लिलीज अ वाइट फ्लाइंग हाई लाइक काइट, योर लव मेक्स मी फील लाइक अ डायनामाइट। इतने सारे बाल? मीनाक्षी को एलोपेशिया है। इस बीमारी में सिर के बाल धीरे धीरे कम होने लगते हैं और बाद में फिर पूरी तरह से झड़ जाते हैं। अरे कभी किसी का पूरा नहीं था, भगवान मुझे इतना गुस्सा क्यों है? कुछ भी हो जाए मैं तेरे बाल वापस लाए बिना नहीं मानूंगा। तुम स्टेज पे नहीं आएगा, तुम जिंदगी में कभी डांस नहीं कर पाओगी। लास्ट चांस है तुम्हारे लिए। भगवान ने तुझे सबसे अलग बनाया है, हो सकता है इसके पीछे भी उसकी कोई मर्जी हो। इनाक्षी आना, ये देखो, ये कतरीना कैफ, करीना सैफ और दीपिका बात को 2 दिन और वेट करेगा ना, आलिया भट्ट भी मिलेगा। लगा दो करारे ठुमके, दिला दे हीरे के झुमके। श्वेता त्रिपाठी मेन लीड रोल में है, जो कि मसान फेम और आपका हरामखोर जो लास्ट उनकी रिलीज मूवी थी, और इसमें रोल के अंदर जो मूवी ट्रेलर में दिखाया गया है, जैसे कि एलोपेशिया की बीमारी से शी इज सफरिंग एंड देन शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। Being a guy, I can went through a lot. Even I lost my hair at very young age. लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद being a guy is a different. आप लोग थोड़ी देर में adjust करते हैं, male ball pattern का वो होता है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, but थोड़े time बाद एक age आने के बाद people start accepting you. But when it comes to a girl, middle class family से, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। एक 15-16 साल की लड़की का किरदार जो निभा रही है श्वेता त्रिपाठी, उसके अंदर दिखाया गया कि वो एक डांसर बनना चाह रही हैं, और उसके बाद जो अब तक ट्रेलर देखकर समझ में आया, सिनॉप्सिस जो समझ में आ रहा है, वो शी इज वेंट थ्रू अ लॉट और आई कैन रिलेट कि उसके साथ क्या हुआ होगा और उसको किस तरह के माहौल से गुजरना पड़ा होगा या किस तरह के ताने सुनने पड़े होंगे। और एक फादर जो मिडिल क्लास फैमिली का दिखाया गया, जो ताजमहल नहीं दिखा पाए अपनी बीवी को 20-22 साल के अंदर, उस फैमिली से वो बिलोंग कर रही है, और एक फादर का अपनी बेटी के लिए प्यार वो दिखाया गया है। बीच में और बहुत सारे किरदार हैं इस फिल्म के अंदर। आपको जीतू जी दिखेंगे, दीपिका अमीन जी हैं, और आपको विनय शर्मा जी का रोल दिखेगा। तो ऑल टुगेदर मूवी का टॉपिक बहुत अच्छा है। कासिम जी डायरेक्टर राइटर हैं। कासिम जी तिब्बतन मुस्लिम हैं एंड इज वेरी वेल नोन फॉर हिज वर्क। तो अब देखते हैं मूवी के अंदर कैसे दिखाया गया, इसको कैसे स्ट्रेस किया गया, और इसके साथ कितना जस्टिफिकेशन किया गया टॉपिक के साथ। लेकिन एक और मूवी आ रही है
आयुष्मान खुराना की बहुत जल्दी बाला नाम से, लेकिन दैट्स मोर टूवर्ड्स ऑन द हिलेरियस साइड जो कि पूरी की पूरी इसी थीम के ऊपर है, द लॉस्ट ऑफ हेयर और जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स होती है मेल के अंदर. लेकिन मेल के अंदर ये कॉमेडी बन सकती है, लेकिन जब लड़की की बात आती है तो इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट इशू. और हमारा इंडियन समाज और हमारा इंडियन कल्चर और ये सब चीज़ें तो देखते हैं. काफ़ी टची सब्जेक्ट है, कितनी अच्छी तरह से इसको फिल्माया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और श्वेता त्रिपाठी इज़ वेरी लकी दैट शी गॉट अ रोल इन अर्ली एज ऑफ हर करियर जहाँ पर की पूरी पूरी मूवी एक वुमन सेंट्रिक है. तो शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस एंड आई होप दैट शी इज़ गोना जस्टिफाई एंड डू गुड इन हर मूवी. अभी तो सिर्फ एक दो मिनट का ही ट्रेलर था, उसके अंदर भी शायद कुछ झलकियाँ देखने को मिली. पूरी मूवी कुछ अलग तरीके की होगी. तो लेट्स होप 29 मार्च को रिलीज़ हो रही है और देखते हैं, देखनी चाहिए. एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते हैं. सो लेट्स वेट एंड वॉच. एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नहीं लगे तो बताइएगा कहाँ गड़बड़ है. और प्लीज़ सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.